हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास रियलमी का 11X 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास रियलमी का 11X 5G डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होने लगी है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग करने वाला हूँ जिससे आपके डिवाइस का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। मैं यहाँ पर आपको जो टिप्स और सेटिंग करने वाला हूँ सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में फॉलो करनी है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। ये किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारे डिवाइस में ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होने लगी है। किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारे मोबाइल में जब से अपडेट आया ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होने लगी है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है बैटरी ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर आपकी बैटरी कैसे भी ड्रेन हुई, मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स करने वाला हूँ जिससे आपका बैटरी बैकअप काफी इंक्रीजेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। क्योंकि जैसे यहाँ पर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, आपके बैकग्राउंड में रन करती है, जिससे आपके डिवाइस की बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। जैसे आप किसी पेटीएम वगैरह में ओपन करोगे ऑटोमेटिक लोकेशन मांगेगा और आपका लोकेशन ऑन हो जाता है। जैसे आपका ब्लूटूथ एंड वाईफाई भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। एंड किसी किसी भाई कोई कोई भाई क्या करता है, बहुत बड़ी गलती करता है, अपने डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखता है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। डाटा ऑन होने से आपका जो बैटरी बैकअप है और आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो भी डाउन एंड खराब हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका मोबाइल जितनी देर डाटा ऑन रहेगा उतनी देर आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है और सारे दिन 24 घंटे नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आती रहती है, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ खराब हो जाती है और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। तो जब भी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करना है। अगर मोबाइल पॉकेट में रखा है या मोबाइल घर पर रखा है, यानी कि मोबाइल लॉक है, तो हमेशा डाटा को ऑफ करके ही रखना है। सिंपली अब आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करोगे, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारी बैटरी सबसे ज्यादा ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कोई भी चीज आपकी बैटरी को कंज्यूम करती है तो वो होती है आपकी डिस्प्ले। अगर आप अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज कर सकते हो तो ज्यादातर डार्क मोड का यूज कर सकते हो आप। इससे क्या होता है, आपकी जो बैटरी 20 से 30% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने मोबाइल को नया परचेस किया था उससे भी ज्यादा चलने लगेगी, क्योंकि पूरी डिस्प्ले आपकी ब्लैक हो जाती है। तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको पसंद लगता है, पूरा एनिमेशन है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एनिमेशन व्हाइट कलर में दिखाई देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो ब्राइटनेस का, इसे आपको हमेशा ऑन करना है। जैसे ऑन करोगे देख सकते हो मेरी ब्राइटनेस है कम हो गई। ऐसे हो सकता है अगर कहीं आप धूप में होगे तो ज़्यादा भी हो सकती है, अगर आप अंधेरे में होंगे तो कम हो जाएगी। यानी कि आपकी डिस्प्ले आपको अच्छे से दिखती रहेगी, कोई प्रॉब्लम होगी। ये सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा करता रहता है ब्राइटनेस को, ताकि आपकी बैटरी सेव होती रहे। वैसे हम तुम क्या करते हैं, अपनी ब्राइटनेस को हमेशा के लिए फुल रखते हैं, तो इससे भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हो। सिंपली आपको आ जाना बैक। जैसे कैसे यहाँ पर बैक आओगे, यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, सबसे पहली बार सेव पावर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप पावर को सेव कर सकते हो जो भी आपको करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर सेविंग मोड, अभी देख सकते हो आपकी जो बैटरी का टाइम दिखा रहा है। एंड 1 दिन 23 घंटे यहाँ पर चलेगी आपकी बैटरी। अगर आप पावर सेविंग मोड को लगाओगे 2 दिन 1 घंटा चलेगी, तो आप यहाँ पर पावर सेविंग मोड को लगा सकते हो। पावर मोड की सेव से फायदा क्या क्या होते हैं, सबसे पहली बात आप जो ब्राउजर वगैरह में सर्चिंग वगैरह करते हो या कोई ब्राउजर वगैरह को ओपन करते हो, ये उनमें रनिंग करता रहता है आपका पूरा डिवाइस में, जो भी चीज़ आप सर्च करते हो तो ये रनिंग कराना बंद कर देता है, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। तो आप इसे यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन मिलता है आपको सुपर पावर सेविंग मोड, इसे आप इमरजेंसी इस्तेमाल में यूज कर सकते हो, जो कि आपको पता है कॉलिंग वगैरह के लिए रखना है, कोई काम करना है, लाइट नहीं है आपके यहाँ, तो आप इसे लगा के कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, आपकी बैटरी काफ़ी सेफ होती है। एंड जैसे आप नीचे आओगे, अभी के लिए मैं कर देता हूँ पावर सेविंग मोड को ऑफ। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोन बैटरी यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। कौन सी एप्लीकेशन आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो और उसी एप्लीकेशन में जाके आप उससे का, जैसे मेरा काइन मास्टर है, मैं एडिटिंग वगैरह करता रहता हूँ, ऐसे एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। एंड आपको करना है स्टोरेज पर चले जाना है इसकी पे। एंड इसे आपको क्लियर कीचे करना, क्लियर डाटा नहीं करना, क्लियर कीचे कर देना, जो भी जंक फाइल वगैरह होंगी क्लीन हो जाएगी। एंड ये ज़्यादा कर रहा है बैटरी को कंज्यूम कर रहा है वो भी नहीं करेगा, इस चीज़ को आपको यूज करना है। टू डॉट पर क्लिक करना है, अनइंस्टॉल फॉर यूजर, इससे आपको रहने देना है। एंड सिंपली आपको आना है बैक। जैसे बैक आओ द्वारा से आपको करना है सेटिंग में जाना है, ऐसे करके सभी एप्लीकेशन को आप क्लीन कर सकते हो जो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कैसे यहाँ पर आप मोर बैटरी सेटिंग पर जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले परफॉर्मेंस मोड, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको चेक करना है कहीं आपको मोबाइल हाई परफॉर्मेंस मोड पर तो नहीं चल रहा है,
तो आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर करना, देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है टर्न ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ, आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। सिंपली आपको ना नीचे बैक एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज। अगर आपको किसी कारवर्स जैसे गेमिंग वगैरह करते हो, कोई बड़ा एप्लीकेशन है वो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑलवेज ऑलवेज आस्क होगा या डोंट ऑप्टिमाइज होगा, तो उसे आपको क्या करना, ऑलवेज आस्क की जगह ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा देना है, ताकि जब भी आप उस एप्लीकेशन में जाओगे ऑटोमेटिक आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करे एंड यहाँ पर आपकी बैटरी हेल्थ है वो ठीक रहती है एंड बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होती है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऑफ होगा या बैलेंस मोड होगा आपका। सुपर पावर सेविंग मोड ऑन करने से यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो बाई टू इंक्रीज बाई 5% इन सुपर पावर सेविंग मोड इनहेंस इंक्रीज बैटरी लाइफ 10%, 5 से लेकर 10% तक आपकी बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी सुपर पावर सेविंग यूज करने से, आपकी जो स्क्रीन है वो काफी ज्यादा बैटरी को कम कंज्यूम करेगी, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक, तो गाइस इन सेटिंग को आपको ऑन करना है रेडमी की रियलमी की मोबाइल में एंड आपका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी इनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब आपको नॉर्मल टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कुछ लोग क्या करते हैं अपने मन में काफ़ी सारे फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब गेम वगैरह जो भी मन में आता है सब चलाते हैं और मोबाइल को लॉक करके रख देते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मोबाइल लॉक करते हो आपको रिजेंट मेनू पर क्लिक करना है, जो भी चीज़ आपने यूज की सुबह से लेकर शाम तक इन्हें आपको क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को लॉक करना है, तभी रखना है, तो कि ये चीज़ आपकी बैकग्राउंड में खुली रहेंगी और रन करेंगी और आपकी बैटरी ड्रेन होगी। और सभी लोगों के सवाल आने लगते हैं कि हमारी बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होने लगती है, नेट में ड्रेन होने लगती है, इसी कारण होती है। दूसरी बात, आपको अपनी मोबाइल की स्टोरेज को खाली करना, क्लीन करना, जितनी स्टोरेज फुल होगी ऑटोमेटिक बैटरी उतनी ही कम चलेगी। तो फालतू के फोटो वीडियो एप्लीकेशन डिलीट करने, अगर आपने डिलीट कर दिए तो आपको यहाँ पर जाना है गैलरी में, एल्बम में जाना है और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें डिलीट की फोटो वीडियो आपको रिसेंटली डिलीट में चले जाना है, यहाँ से आपको दोबारा से डिलीट कर देना है। जैसे दोबारा डिलीट करोगे परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और आपकी स्टोरेज खाली एंड क्लीन हो जाएगी और आपका बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा, फालतू में बैटरी ड्रेन नहीं होगी। तो वैसे इन सेटिंग को आपको फॉलो करना और आपका बैटरी बैकअप काफी इंक्रीज एंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।